हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021, जो रिसेंटली असम के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में ये पास किया गया है। तो मेनली इस बिल के जो प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी जो इम्पोर्टेंस, क्यों इसकी जो जरूरत आन पड़ी यहाँ पे, अलग अलग जो प्रॉब्लम से रिलेटेड टू द इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कौन सी ऐसी स्टेट्स है इंडिया में जिन्होंने इससे पहले कैटल के ऊपर ऐसे जो प्रोविजंस बनाए हैं, अलग अलग जो रेगुलेशंस बनाए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और तो देखिए कि फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली आसाम के कैबिनेट ने एक बिल जो है प्रपोज किया था, एक्चुअली इसके रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ कैटल इन असम। तो ये बिल जो है ऑलरेडी 12 जुलाई 2021 को, जो असम में रिसेंटली अभी जो बजट की जो असेंबली में जो सेशन चल रही है, तो यहाँ पे ये पास हो गई है ऑलरेडी। अगर इसमें गवर्नर की जो एसेंट मिल गई तो ये बिल जो है एक एक्ट बन जाएगी इसके बाद। तो ये बिल जो है आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल, तो यहाँ पे देखिए कैटल्स की प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे ये बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत में अलग अलग जितने भी स्टेट्स से, काफी सारे स्टेट्स ने भी इससे पहले जो है इंडिजिनस काउ हो गई यहाँ पे, उसके रिलेटेड प्रोटेक्शन से रिलेटेड काफी ऐसे बिल ऑलरेडी अप्रूव किए हैं यहाँ पे। तो मेनली इस बिल में जो है काफी यहाँ पे ऑपोजिशन ने भी सवाल उठाए हैं, या फिर काफी र्यूमर्स भी निकले हैं। तो यहाँ पे देखिए मेनली कैटल्स की स्लटिंग पे यहाँ पे कुछ बैन नहीं लगाए हैं। मेनली यहाँ पे जो भी स्लटिंग होगी उसको रेगुलेट करने के लिए, जो कंजम्पशन की जाएगी उसको रेगुलेट करने के लिए, और जो मेनली इलीगल ट्रांसपोर्ट होती है आसाम से अलग अलग जगहों पे उसको रोकने के लिए। तो मेनली अभी जो कैटल होगी उनको अगर स्लटिंग करनी है तो लाइसेंस या फिर रिकॉग्नाइज स्लटर हाउस पे ही की जाएगी। रिगार्डिंग अगर बात करेंगे हम जो इलीगल स्मगलिंग जो है आसाम से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर भूपेश सिंह बाघल, ये जो फेब्रुवरी में आए थे, तो उन्होंने भी बोला था कि आसाम में काफी सारे इलीगल स्मगलिंग जो है कैटल से रिलेटेड ये बढ़ती जा रही है। तो ये बिल एक्चुअली में है क्या? तो देखिए ये जो बिल है, तो ये बिल अमेंड करेगी आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1950। तो इसके हिसाब से जो भी कैटल है जिसकी उम्र 14 साल से ज्यादा होगी, जो काम के लिए अनफिट है या फिर ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं, उनकी ही स्लेटिंग यहाँ पे अलाउ की जाएगी। तो उसके लिए जो लोकल वेटरनरी ऑफिसर है उनसे फिट फॉर स्लटिंग की जो है उसके सर्टिफिकेट लेने पड़ेगी, उसके बाद ही उसकी स्लटिंग की जाएगी। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने खरीद के लेके आए कहीं से स्लटिंग शुरू कर दिया, ये नहीं होगा। अब से उसके लिए वेटरनरी ऑफिसर्स की भी यहाँ पे मंजूरी जरूरी होगी यहाँ पे। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे जो भी एरियाज मेनली जो हिंदू सिख जैन या फिर नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज है, तो उस एरिया में या फिर जो भी एरिया है जहाँ पे टेम्पल है या फिर अलग अलग सत्रा है या फिर अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो उन लोगों के यहाँ पे उस एरिया के 5 किलोमीटर रेडियस के पास आसपास जो है ऐसे स्लटिंग हाउस नहीं खोला जा सकता। ये बिल में एक रूल बनाया गया है। तो देखिए काफी सारे लोग हैं, उनकी जो है सेंटिमेंट भी यहाँ पे हर्ट होती है, तो उसके हिसाब से भी देखनी चाहिए। और मेनली यहाँ पे इलीगल स्लटिंग के वजह से ही यहाँ पे जो है इलीगल ट्रांसपोर्टेशन या फिर इलीगल जो ऐसे एक्टिविटीज बढ़ती हुई जा रही है, इसके लिए अलग अलग यहाँ पे स्टीप पेनल्टीज भी जो है इंट्रोड्यूस की गई है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को बैन करनी है तो काफी सारे यहाँ पे नियम जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है कैटल की अगर आसाम के बाहर लेके जाना है या फिर विद इन आसाम अगर
अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनकी परमिट की जरूरत होगी। तो एक परमिट जो है यहाँ पे बोनाफाइड या फिर एनिमेंट्री हजबेंड्री पर्पोजेस के हिसाब से मिलेगी, और ये जो मिलेगी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है कैटल्स की उनकी करनी है तो रजिस्टर्ड एनिमल मार्केट, अगर वो सेलिंग के लिए हो या फिर परचेजिंग के लिए हो, तो अगर रजिस्टर्ड एनिमल मार्केट से रिलेटेड हो तो वहाँ पे परमिशन की कोई भी ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे इलीगल स्लैटिंग या फिर इलीगल ट्रांसपोर्टेशन अगर करते हुए पकड़े गए तो यहाँ पे 3 से लेके 8 साल की सजा या फिर 3 लाख से लेके 5 साल तक की यहाँ पे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स ने भी ऐसे कुछ रूल्स निकाले थे। तो जून 2020 में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने भी यहाँ पे काउ स्लॉटर प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 2020 पास किया था। नवंबर 2020 में अगर देखेंगे मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने भी काउ कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ काउस जो है उसको अनाउंस किया था। और फरवरी 2021 में कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर प्रिवेंशन ऑफ कैटल बिल 2020 इसको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है यहाँ पे पास किया गया था। तो अलग अलग स्टेट्स ने भी रिलेटेड टू कैटल अलग अलग यहाँ पे नियम या फिर रेगुलेशंस निकाले हैं, तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में भी जान लेंगे, तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग एक यहाँ पे एजेंसी है, और ये एजेंसी किसके अंदर काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और ये डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंदर आती है, मेनली यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ काउस से रिलेटेड। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक चीज की जो एनिमल हस्बेंड्री है या फिर मॉडर्न साइंटिफिक रूल के हिसाब से अगर उसको ऑर्गेनाइज करनी है, जो भी इंडिजिनियस ब्रीड है गांव की उनकी अगर प्रिजर्व करनी है, उनको जो ब्रीड है उसको अगर इम्प्रूव करनी है, और यहाँ पे इलीगल स्लेटिंग वगैरह जो होती है गाय की या फिर बछड़ों की उनको अगर प्रोहिबिट करनी है, तो ऐसे नियम यहाँ पे निकालने होंगे। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ये एक फंक्शन करती है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 के दिसंबर में। तो एक चीज देखिए यहाँ पे मेघालय की गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे काफी जो चिंता भी जताया है कि अगर ऐसे किए गए तो शायद ट्रांसपोर्टेशन जो अलग अलग अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में आसाम के चारों तरफ काफ़ी सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे बीफ जो है कंजम्पशन काफ़ी होती है यहाँ पे, तो अलग अलग स्टेट्स ने भी यहाँ पे स्पेशली मेघालय ने यहाँ पे मेंशन किया है कि डेफिनेटली उन लोग की जो मेन कंजम्पशन होती है बीफ से रिलेटेड तो उस पर अगर इफेक्ट पड़ेगा। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ ने भी यहाँ पे बोला है कि फूड हैबिट को यहाँ पे इफेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी कम्युनिटी की, लेकिन यहाँ पे फूड हैबिट या ऐसे बातों की बारे में बात नहीं है। मेन चीज़ होती है कि इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, उससे रिलेटेड सिंडिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे जगहों पे इलीगली स्लटिंग हाउस खोलते जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाईली डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे इलीगल सप्लाई भी होती जा रही है। तो इससे क्या होती है, इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ता है और उस सोसाइटी की मॉरल एथिक्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो सब कुछ यहाँ पे सोचते हुए ये जो है बिल जो आसाम के गवर्नमेंट ने इसको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे पास करवाया है। तो देखिए इसको कभी भी फ्रॉम जो किसी भी कंट्रोवर्सी के हिसाब से नहीं देखनी चाहिए, मेनली यहाँ पे क्या समझाया गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए, स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद। Thank you.